नमस्कार, culture.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नींबू का इंस्टेंट अचार बनाना बताऊंगी। ये फटाफट बन जाता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें कुछ भी तेल मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नींबू और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए हमने लिए हैं करीब 7-8 नींबू है, 10-12 हरी मिर्चें हैं, 2 इंच करीब अदरक का टुकड़ा है छील लिया, 1 बड़ा चम्मच नमक है और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। सबसे पहले हम नींबू काट के तैयार कर लेते हैं। 1 नींबू के हम 8 पीस करेंगे। और इसके बीज निकाल देंगे। ये हमने 6 नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये 2 नींबू हमने काट के रखे हैं, इसका हम इसमें रस डालेंगे। इसी तरह से हम मिर्ची भी काट लेते हैं, नींबू को निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। इसी में इसका रस भी डाल देते हैं निकाल। कटे हुए नींबू में हमने नींबू का रस भी निचोड़ दिया है, अब हम इसमें मिर्ची भी काट के मिला देते हैं। मिर्ची को भी करीब 1/2 इंच के टुकड़ों में काट देंगे। हमने सारी मिर्ची भी काट ली है, इसे भी नींबू के साथ ही डाल देते हैं। अदरक को भी हम काट लेते हैं छोटे छोटे स्लाइसेस में। अदरक भी कट गई है, इसे भी हम मिर्ची के साथ मिला देते हैं। ये सब कुछ हमारा कट के तैयार हो गया है। अब इसमें हम नमक मिला देते हैं। हल्दी भी मिला देते हैं। अब इसे हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। इसे हमें धीमी आंच पे करीब 10 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में से जला देंगे। इसमें उबाल आने लगा है, इसे थोड़ी देर अभी हम और पकाएंगे जब तक नींबू का छिलका थोड़ा सा गल नहीं जाता है। नींबू का अचार पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये पक गया है, नींबू भी थोड़े थोड़े गल गए हैं। इसे हम बंद कर देते हैं, इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद इसे हम किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे। 3 से 4 दिन बाद ये खाने लायक हो जाता है। हमारा नींबू का अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे हम किसी भी जार में भर के रख देते हैं। 3-4 दिनों बाद ये खाने लायक हो जाएगा, तब इसे हम निकाल के सर्व करेंगे। हमारा नींबू का इंस्टेंट अचार बन के तैयार हो गया है। इसे आलू के पराठे या गोभी के पराठे किसी के साथ भी सर्व करिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।